अस्सलाम वालेकुम। एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। अजीज तलबा, हमने इससे पहले हमारा जो टॉपिक था वो था फेल। फेल के ऊपर हम जिक्र कर चुके हैं कि फेल किसे कहते हैं। फेल यानी जिसे किसी काम के करने का जाहिर हो, पता चले, उसको फेल कहा जाता है। फेल का पहली किस्म है जो फेल, वो है फेल मारूफ। यहाँ पर जो है हमारा जो टॉपिक है वो है फेल मारूफ। आज जो है हम फेल मारूफ का जिक्र करेंगे कि फेल मारूफ किसे कहते हैं। फेल मारूफ यानी वो फेल जिसका फाइल जाहिर हो, यानी जिस फेल का फाइल मालूम हो, पता हो, जाहिर हो लफ्जों में, उसको फेल फेल मारूफ कहा जाता है। यानी जिस फेल का फाइल जाहिर हो या मालूम हो उसको फेल मारूफ कहा जाता है। फेल मारूफ कहा जाता है यानी जिस फेल का फाइल जाहिर हो उसको फेल मारूफ कहा जाता है। जैसे राशिद ने खाना खाया। यहां पर जो है राशिद ये फाइल है, खाना खाया ये फेल है। खाना खाया ये फेल है, किसने खाया? राशिद ने खाया। ये फाइल है और जिस फेल का, यहाँ पर फेल खाना खाना यानी खाना किसने खाया, राशिद ने, ये फाइल है। जिस फेल का फाइल जाहिर हो, यहाँ पर जाहिर राशिद फाइल है, जाहिर है, इसी को फेल मारूफ कहेंगे। यानी जिस फेल का ये फेल खाना खाना, यहाँ पर जो ये फेल है इसका फाइल जो है राशिद, ये जाहिर है, इसी को फेल मारूफ कहते हैं। यानी जिस फेल का फाइल जाहिर हो, मालूम हो, उसको फेल मारूफ कहा जाता है। यहाँ पर ये फेल है खाना खाना, इसका फाइल जो है जाहिर है राशिद, तो यहाँ पर ये फेल फेल मारूफ कहलाएगा। दूसरे मिसाल से और वाजे करते हैं। सलमा ने रोटी बनाई। यहां पर जो है रोटी बनाना ये फेल है, रोटी बनाना फेल है, और सलमा जो है ये फाइल है। यहां पर ये फेल मारूफ कहलाएगा इसलिए कि जो इसका फाइल है वो सलमा है, वो जाहिर है, यानी किसने रोटी बनाई, सलमा ने बनाई। यहां पर जो है ये मालूम है पहले से, फेल जाहिर है यानी फाइल जिस फेल का, यानी जिस फेल का फाइल लफ्जों में जाहिर हो उसको फेल मारूफ कहते हैं। इन दोनों मिसालों में फाइल जो है राशिद सलमा ये जाहिर है, इसलिए इन फेलों को यानी खाना खाया या रोटी बनाई ये फेल मारूफ कहलाएंगे, इसलिए कि इनका जो फाइल है वो जाहिर है और उसी फेल को फेल मारूफ कहा जाता है। जिसका फाइल जाहिर हो, मालूम हो, पता हो, उसी को फेल मारूफ कहा जाता है। अगली किस्म यहाँ से आगे जो है फेल मजहूल की जो दूसरी किस्म है उसके बारे में जिक्र करते हैं। फेल मजहूल, फेल मजहूल यानी फेल मजहूल जिस फेल का
पाए, जाहिर नहीं हो, लफ्जों में जाहिर ना हो, मालूम ना हो, उसको फेल मजरूर कहा जाता है। यानी जिस फेल का फाइल जाहिर ना हो या मालूम ना हो, उसको फेल मजबूर कहा जाता है। यानी जिस फेल का फाइल जाहिर नहीं हो या मालूम ना हो, उसको फेल मजबूर कहते हैं। जैसे हम इनको और मिसालों से वाज़ह करते हैं इसको, जैसे दरवाजा खोला गया। यहां पर जो है दरवाजा ये मफ़ऊल है और खोलना ये फ़ेल है। खोलना ये फ़ेल है, फ़ेल मजरूर है। यानी जिस फ़ेल का फ़ाइल जाहिर नहीं हो, पता ना हो, उसको फ़ेल मजरूर कहते हैं। यहाँ पर दरवाजा खोल किसके जरिए खोलने लगा ये जाहिर नहीं है, यानी खोलना यहाँ पर है ये फ़ेल मजरूर, इसलिए कि ये मालूम नहीं है कि दरवाजा किसके जरिए से खोला गया, ये जाहिर नहीं है। यानी जिस फेल का फाइल जाहिर नहीं हो, उसको फेल मजरूर कहते हैं। यहाँ पर ये इसका फाइल जो है जाहिर नहीं है, इसी को फेल मजरूर कहा जाता है। और वाजे करते हैं इसको दूसरे मिसाल से, जैसे आटा पिस गया। यहाँ पर जो है पिस गया ये फेल मजरूर है, इसलिए कि आटा किसने पीसा, कैसे पीसा, जो फाइल है वो आटा पिस गया, इसका फाइल जो है जाहिर नहीं है, मालूम नहीं है किसके जरिए से आटा पीसा गया, वो यहाँ पर जाहिर नहीं है, मालूम नहीं है। यानी जिस फेल का फाइल जाहिर नहीं हो, मालूम नहीं हो, उसको फेल एक मजरूर कहा जाता है। इन मिसालों से आप समझ गए होंगे कि जिस फेल का फाइल जाहिर नहीं हो या मालूम नहीं हो, उसको फेल मजरूर कहा जाता है।